शहर में बढ़ते कत्ल और नशे के वाक़ात के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल ने एक मुहिम इस्लाह मुआशरा का आगाज़ किया है। इस मौके पर ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शहर भर में कत्ल और नशे के वाक़ात की रोकथाम के लिए जलसे और दीगर खिदमात अंजाम दिए जाएंगे। इन्होंने उलमाए कराम और ख़तीब हज़रा से जुमा और दीगर महाफिल में इन उनवानात पर खिताबात करने की गुजारिश की। इन्होंने बताया कि इस मुहिम का पहला इजलास 10 कॉन्फ्रेंस की सूरत में अताए मूसा खादरी रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी आलम में मुनाकिद हुआ, जिसमें उलमाए कराम, मशायखीन और दानिश्वरान ने शिरकत की। आइए सुनते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसील। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, फेसबुक पर फॉलो करें। إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الله رب العزة إرشاد فرماتا بيشك جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں قتل و غارت گری کے ذریعے سے، ڈکیتی کے ذریعے سے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے ذریعے سے، लोगों का माल लूटने के जरिए से या आमियाना तौर पर खतल गारत गरी के जरिए से जो लोग फसाद मचाते हैं, इस्लामी कानून में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह कहा अय्युकत्तलू, उनको खतल कर दिया जाए। खतल का बदला खतल, मगर हम इतना बड़ा कानून नहीं बना सकते, तो कम से कम ऐसा कानून तो बनाए उनको डर तो बैठे कम से कम। अब कई नौजवानों से हम खुद अपने कानों से सुने, क्या होता जी 3 महीने बैठ के आ जाएंगे, हम 3 महीने बैठ जाएंगे, हो जाता 3 महीने के बाद तो आई जाएंगे ना। तो यानी कि उसके दिल में कत्ल की जो सजा है वो उसके दिल में से वो खौफ निकल गया। फिर अब उसके बाद कुरान कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अगर उसका कत्ल नहीं करते और युसल्लबू, उसको फांसी दिया जाए या उसको फांसी दी जाए, वो नहीं कर सकते, और तुकत्ता अईदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन, या फिर उसके हाथों को या उसके पैरों को उसके मुखालिफ सिमत से काट दिया जाए। ये तीसरा है। फिर उसके बाद फरमाते हैं औ युनफाउ मिनल अर्द, या फिर उनको शहर बदर कर दिया जाए, मुल्क से निकाल के उनको फेंक दिया जाए, उनको ऐसे वतन में अपने इस मुल्क में रहने की जरूरत नहीं है जो ऐसे गंदे जराइम करते हैं। इस्लाम में इतना सख्त कानून है, तो इस्लाम ने यह सख्त कानून की वजह से इसके असरात देखे गए हैं कि इस्लामी जहां भी ममलिकतें उस जमाने में थी, कत्ल गारत गरी बहुत कम हुआ करती थी। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस्लामी कानून बनाओ, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे कानून जो है तुम भी कत्ल के जो है फुसूलियों पर लटकाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कम से कम कानून में कुछ ऐसी जो है सख्ती लाई जाए ताकि कत्ल करने वालों के दिल में खौफ पैदा हो, हैबत पैदा हो। फिर उसके बाद फरमाया जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है उनको ये इतने सख्त सजाएं क्यों दी गई, इसलिए दी गई ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, ताकि वो दुनिया में जलील खार हो, ताकि वो रुस्वा हो, ताकि वो शर्मसार हो, ताकि उनको पता चले कि वो कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। अल्लाह कहता है ये तुम दुनिया में कर दो, आखिरत में मैं उनको देखूंगा। अल्लाह कह रहा है उनकी सजा दुनिया में भी है आखिरत में भी। आखिरत में क्या सजा है, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, उनको दर्दनाक। जराइम को देखते हुए जैसे कि कत्ल और नशा वगैरह जो आदि लोग जो सड़कों पर घूम रहे हैं, और आए दिन अभी जैसा इत्तला मिली कि 1 महीने में 18 कत्ल हो चुके हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से एक मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं आज से, कत्ल और नशे के ख़िलाफ़ इस्लाह माशरा जिसका नाम रहेगा मुहिम का, जिसके अंदर तमाम ये उलमा जो आपके सामने मौजूद है इन तमाम का तआवुन रहेगा साथ में, जिसमें काबिले ज़िक्र हज़रत मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा अब्दुल्ला क़ायदे अहले सुन्नत और मौलाना अहमद नलबंदी साहब शान दक्कन और हज़रत सैयद कलीमुल्ला हुसैनी काशी पाशा साहब, मौलाना अहमद अहमद बावज़ीर साहब, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, मौलाना हाफिज़ मुजफ़्फ़र हुसैन ख़ान साहब और मौलाना खुसरो बियाबानी साहब, इन तमाम हजरात का तआवुन साथ में रहेगा इंशाल्लाह। और
अल्लाह करम से ये तमाम लोग की एक मुतफिका एक फिक्र, सब की राय एक ही राय है कि इस मुहिम का जो है आगाज किया जाए और गली गली एक अच्छा मैसेज दिया जाए। तो इस सिलसिले में आज एक पोस्टर रिलीज भी किया जा रहा है और इसके बाद आगे के तफसीलात आपको तमाम उलमा बताएं। मेहनत लगन निफासत का हसीन मरकज जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरीद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाए। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद।